नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आसान हुई जिंदगी के साथ साथ रफ्तार से होते हादसे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। खास तौर पर बड़े बड़े हाईवे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर लीजिए, बहुत सारे हादसे वहाँ होते हैं। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने थोड़ा सा कड़ाई से और सख्ती से पालन करना शुरू किया और सबके लिए ये निर्देश है कि अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी लेकर उतरेंगे तो आपके मोबाइल फोन पर हाईवे साथी फोन ऐप होना जरूरी है, नहीं तो आपको हाईवे पर एंट्री नहीं मिलेगी और इसकी बकायदा चेकिंग होगी। और अगर आपके मोबाइल फोन में वो ऐप नहीं होगा तो आपसे कहा जाएगा कि ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आप वो ऐप डाउनलोड नहीं करते हैं तो फिर आपको एंट्रेंस वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो एक नया इनिशिएटिव है, गूगल मैप के साथ साथ आपको भी करना पड़ेगा। अब हाईवे साथी ऐप डाउनलोड करने का मकसद क्या है ये भी आपको हम बता दें, और हाईवे साथी ऐप क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल हाईवे साथी ऐप, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं तो इसके पीछे की सोच आपको बता दें कि हम रफ्तार और हादसों को कंट्रोल कर सकेंगे। तो हाईवे साथी ऐप आपके मोबाइल पर होगा, जैसे ही यमुना एक्सप्रेसवे पर एंटर करेंगे तो उसका सर्वर यमुना एक्सप्रेसवे के साथ अटैच हो जाएगा और उसके बाद आप किस किस रूट पर जा रहे हैं, किस स्पीड में जा रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, गाड़ी कहां कहां रुक रही है, ये सारी जानकारी उस सर्वर के थ्रू आउट कंट्रोल रूम में पहुंच जाएगी। इसके बाद अगर आपके साथ कोई भी हादसा हो जाता है तो तुरंत से आप तक मदद पहुंच जाएगी। फर्ज कीजिए गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया या फिर गाड़ी का टायर पंचर हो गया या फिर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो तुरंत से आपकी लोकेशन सर्वर कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी ताकि तुरंत आपको हेल्प पहुंचाई जा सके। यानी सीधा सीधा इस ऐप के जरिए हाईवे अथॉरिटी आपकी हर मोमेंट पर नज़र रखेगी। इसके साथ साथ गाड़ी चालक का मोबाइल नंबर भी उनके पास होगा, साथ ही साथ गाड़ी का नंबर भी उनके पास होगा जो कि कंट्रोल रूम में जिसकी पूरी जानकारी आपको दी। तो ऐसे में जरूरत पड़ने पर हर तरह की मदद आप तक पहुंचाई जा सके। इसकी मकसद सीधा सीधा यही है कि इसके लिए जब आप हाईवे पर एंटर करेंगे तो एक बूथ बनाया जाएगा और उस बूथ को बनाने का मकसद भी यही है कि आपके मोबाइल को चेक किया जा सके कि आपने हाईवे साथी ऐप को डाउनलोड किया है या फिर नहीं, और अगर नहीं किया है तो उस ऐप को आपसे डाउनलोड करवाया जाएगा। इस ऐप का कड़ाई से पालन हो तो इसके लिए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से दो बूथ लगाए जाएंगे, एक तरफ आगरा और दूसरी तरफ नोएडा, ताकि दोनों तरफ चेकिंग की जा सके। इसके साथ साथ इस पूरे ऐप की जो देखरेख है वो यमुना प्राधिकरण करता है। यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से देखा गया था कि दुर्घटनाएँ हो रही थी, तो मकसद सरकार का और हाईवे अथॉरिटी का सीधा सीधा यही है कि इन दुर्घटनाओं पर पहली बात तो लगाम लगाई जा सके और दूसरी बात अगर कोई दुर्घटना हो तो उस पर जल्द से जल्द आपकी मदद की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।